चंबा जिला की तत्कालीन डीसी सुदेश कुमार मोक्टा ने अगर गरीब परिवार की बात सुन ली होती तो ऐसा ना होता। अजय अंडर 16 नेशनल क्रिकेट खेल चुका है और अंडर 19 की तैयारियों में जुटा था। इसी दौरान उसे 11,000 वोल्टेज लाइन की तार छू जाने के कारण करंट लग गया और उसके जीवन के सारे सपने चूर हो गए। धर्मशाला पहुंचकर अजय ने मीडिया के सामने हिमाचल बचाओ मंच के संस्थापक एसएस गुलेरिया को साथ लेकर अपनी आप बीती सुनाई। अजय ने कहा कि जिस जगह उसके दादा और पिता पिछले 35 सालों से रेहड़ी लगाते थे उसे हटाने का फरमान तत्कालीन जिलाधीश चंबा ने हटाने के निर्देश देकर परिवार को रेहड़ी ऐसी जगह लगाने को मजबूर कर दिया जहां हमेशा बारिश का पानी गिरता था। उन्होंने कहा कि इस पानी को बंद करने के लिए अजय और उसके भाई ने भी डीसी से कई बार गुहार लगाई लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और न ही समस्या का कोई हल निकाला गया। अजय ने कहा कि रेहड़ी पर खाना बनाते थे और पानी गिरने के कारण खाना खराब हो जाता था और नुकसान भी हो रहा था। उन्होंने इस शिकायत के बारे में कई बार विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों को अवगत करवाया लेकिन उनकी किसी ने भी सुनवाई नहीं की। इस स्थिति को देखते हुए अजय खुद पानी ठीक करने छत पर चढ़ गए। जैसे ही पानी ठीक कर नीचे उतर रहा था तब 11,000 वोल्टेज की लाइन की बिजली की तार ने उन्हें खींच लिया। ये जिला चंबा में प्रशासन की लापरवाही का बड़ा नमूना सामने आया। हालांकि नगर परिषद के तहत रेहड़ी लगाने वाले अजय ने बताया कि वो रेहड़ी लगाने के लिए एवज में नगर परिषद को किराया भी दिया जा रहा था, बावजूद उन्हें हटाया गया। उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने रसूखदारों की सह पर उनकी रेहड़ी हटवाई जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि करंट की चपेट में आने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी लापरवाही दिखाई और बार बार आग्रह करने के बाद मात्र 10,000 रूपए देकर अपना पल्ला झाड़ दिया। इसके अलावा अजय ने बताया कि करंट में झुलसने के बाद चंबा अस्पताल में भी उनके इलाज में लापरवाही दिखाई गई और कहा कि टांग काटनी पड़ेगी। इसके बाद जो अपना इलाज करवाने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचे जहां इलाज पर अब तक 5,00,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 5 ऑपरेशन हो चुके हैं और 2 बड़े ऑपरेशन होने बाकी हैं जिस पर अभी 5-6 लाख रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन और तत्कालीन डीसी चंबा के खिलाफ वह कोर्ट में जा रहे हैं जहां से वह न्याय की गुहार लगाएंगे ताकि आने वाले समय में किसी के साथ इस तरह का वाकया ना हो। अजय का कहना है कि तत्कालीन डीसी चंबा सुदेश कुमार मोक्टा से जब मदद की गुहार लगाई गई तो उन्होंने अपने कैबिन के बाहर निकालने की कोशिश की, कैबिन से ना निकलने पर जेल के अंदर करवा देने तक की धमकी दे डाली। मांगने के लिए मदद मांगने के लिए गए परंतु उन्होंने मदद नहीं की, जरा हमारी नहीं की और मजबूरन मुझे पानी ठीक करने के लिए छत पर चढ़ना पड़ा और इस हादसे का शिकार बन गया सर। मैं बिजली की करंट की चपेट में आ गया और मेरी बुरी तरह हालत, डॉक्टर चंबा के डॉक्टर ने कहा कि अगर 2-3 घंटे में इसको होश नहीं आया तो 2 दिन हो गए थे, होश नहीं आ रहा था उतना ज्यादा कि तो शायद इसका जीवन बच पाना बहुत ही मुश्किल है सर। कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे? जी सर मैं तो खटाऊंगा, मैं मेरे साथ अन्याय हुआ है सर, अन्याय हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। बस मैं यही आपसे कहता हूँ कि मुझे कोर्ट में जाएंगे उसके लिए जरूरी सर, कोर्ट में मैं अपने न्याय के लिए लड़ूंगा सर। अब मेरे भाई ने, मेरे रिश्ते माँ बाप ने मुझे दूसरा जन्म दिलाया, मेरे भाई ने पैसे इतने लगा के खर्च करके, अब मैं इसे ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा इस जीवन को। मैं सर कोर्ट का दरवाजा खटकाऊंगा और उनको मैं मतलब न्याय, खुद न्याय लूंगा, मांगूंगा उनसे सर कि मेरे साथ गलत हुआ है और इसका मुझे न्याय चाहिए सर। ये सर प्रशासन के खिलाफ जाऊंगा मैं, प्रशासन के खिलाफ, उन्होंने एक भी नहीं सुनी हमारी। हम बार बार गए सर, हमें धक्के मार के निकालते सर अपने कमरे से, अपने पीएन को बुला के इनको निकालो सर, इनको निकालो। ये सुदेश कुमार मोक्टा सर डीसी चंबा के है, उनके बार 10 बार गए। उन्होंने तो ऐसे भी कह दिया था सर कि हम दोनों भाई भाई गए थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि आप चले जाओ नहीं तो आपको मैं अंदर कर दूंगा, आप बार बार यहाँ आ रहे हो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको मैं अंदर जेल में कर दूंगा। इतनी धमकी दे दी सर, हम तो सर बिल्कुल इतना वो हो गए थे कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, कोई सूझ नहीं रहा था और इतना नुकसान हो रहा था हमारा, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। बताओ अभी आपके
हिमाचल बचाओ मंच के संस्थापक गुलेरिया ने बताया कि रोहित नाम के लड़के को जब 11,000 वोल्ट का करंट लगा था, जिस कारण उसकी दोनों बाजुओं को काटना पड़ा था, उस समय भी हिमाचल बचाओ मंच ने रोहित के केस को कोर्ट में ले गए थे, जहां से रोहित को 1 करोड़ से अधिक राशि देने के आदेश बिजली विभाग को दिए गए और सुप्रीम कोर्ट को भी रोहित को 1 करोड़ रूपए देने का आदेश बिजली विभाग को दिया। अब यह आदेश कानून बन गया है और अजय को भी इंसाफ मिलेगा। ये मुझे अजय के बारे में जब पता लगा तो मैंने इनसे संपर्क किया और इनको यहाँ आज धर्मशाला बुलाया है। और इस बच्चे के साथ में बहुत ये ट्रेजिक दुर्घटना है, और इसके लिए क्योंकि बिजली के 11,000 वोल्ट की तारों से इसको झटका लगा है, और हम चाहेंगे कि इसका, जैसे हमने रोहित का 2012 में केस लड़ा था, वैसे ही इसका भी केस हम लड़ेंगे। और ये क्योंकि ये घायल हुआ है, ये तो इसकी जान बच गई है और ये घायल हुआ है, और इसके फ्यूचर पूरे का पूरा ऐसा लग रहा है कि शायद बर्बाद हो गया है। और इसका एक खिलाड़ी जीवन का अंत हुआ है, और अभी संघर्ष इसका जारी है, इसमें इसका ट्रीटमेंट चला हुआ है। तो इसके लिए इसके साथ हम हिमाचल बचाओ मंच खड़ा हुआ है, और इसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और 2012 का, क्योंकि रोहित का केस सुप्रीम कोर्ट से हम लड़ चुके हैं, तो इसलिए हम उसी को रेफर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और उसी की तर्ज पर बिजली विद्युत विभाग से हम मुआवजा मांगेंगे। उसमें कितना मुआवजा रोहित को मिला था? रोहित को हिमाचल हाईकोर्ट ने 1,25,00,000 रुपए दिलाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिलाया था, लगभग 1 करोड़ के आसपास था वो। मैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अमाउंट है उस समय मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 1 करोड़ के आसपास का था उसका। तो हम ये चाहेंगे, और वो क्योंकि एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आता है वो एक मील का पत्थर होता है उसमें, और हिमाचल में 11,000 वोल्ट की विद्युत तारों से एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब से भी हम ये निवेदन करेंगे कि इसमें गौर की जाए कि ऐसे एक्सीडेंट ना हो। ये आखिरी अजय का, निरुका का और रोहित की आखिरी एक्सीडेंट हो, इसके आगे एक्सीडेंट ना हो, और हमें इस तरह की लड़ाई ना लड़नी पड़े इसमें। ये हमें, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अपनी सरकार के विरुद्ध अपने ही लोगों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है।